फिर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई उस जंगल में जहाँ पे हम मार साइकिलिंग करने वाले हैं। ये चेक करो, ये और भी मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और गाइस जी ये देखो शिमला मुंबई सुबह हो चुकी है। ये संचौली वाला एरिया है। अभी हमारे यहाँ पे तो धूप धूप नहीं आई है, बट वहाँ पे धूप आ चुकी है मस्त। आज हम लोग सब भी फ्री है, हमारे यहाँ पे भाई वगैरह रहते पड़ोसी, वो भी फ्री है। एंड वो बोल रहे थे कि भाई कुछ साइकिलिंग का प्लान बनाते हैं। उनको पता कि शिमला कहाँ है, उनको ये पता होगा दिल्ली कहाँ है। तो दिल्ली में ना यार एक फॉरेस्ट है, मतलब वो एक ट्रैकिंग के लिए ही है, ट्रैकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। मतलब वो 8-10 किलोमीटर का मतलब पूरा फॉरेस्ट है, मतलब पूरा जंगली जंगल है। तो शायद हम लोग वहाँ जा सकते हैं, तो गए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। एंड मेरे साथ जा रहे आयुष भैया और उनके कुछ फ्रेंड्स होंगे, वैसे तो 2-3 भाई और हैं बट वो फ्री नहीं है। हम लोग आज फ्री है, तो गाइस तो दिन में चलते हैं यहाँ से। भाई ये है ढली टनल जो कि अभी नहीं बनी, इसका उद्घाटन भी हो चुका है। एंड भाई ये पुराने वाली, और गाइस मेरे साथ अभी आयुष भैया। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अभी 2 बंदे और आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और गाइस ये टनल अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर है, इसको कभी और दिखाएंगे। एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर है भाई, और ये पुराने वाली छोटी सी टनल है। गाइस ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली, और यहाँ से भाई हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे साइकिलिंग होती है। और यहाँ पे ना लाइट भी नहीं आ रही है, और यहाँ पे ना भाई यहाँ पे ठंड वाला सीन हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे धूप धूप कुछ नहीं लगती है। तो चलो गाइस फटाफट से उस स्टेशन पे चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर, और ये यहाँ का एंट्री है। चलो भाई ये पूरा फॉरेस्ट जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। गाइस ये है यहाँ का एंट्री गेट, ये देखो भाई बहुत प्यारा गेट है। पेड़ या आई थिंक लकड़ी है क्या? नहीं नहीं ये लकड़ी नहीं यार, शिमला वाटर कैचमेंट। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई उस जंगल में जहाँ पे हम आज साइकिलिंग करने वाले हैं। हमारे साथ है भाई 5 लोग, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और आयुष भाई जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं। ये है भाई एशिया का सेकंड लार्जेस्ट जंगल, बहुत बड़ा डेंसली सॉरी। तो अभी हम लोग इसमें जाने वाले हैं, आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास हैंडल करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से भाई चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और सारे लौंडे भाई यहाँ पे है। मजा आया गाइस इतने टाइम साइकिल चला के, और अभी हमें तगड़े से प्लेस में पहुंचे भाई, दिखाता हूँ। देखो इस 5 साइकिल हमारे पास ये पे, एंड भाई बहुत प्यारा प्लेस है यहाँ पे। ये देखो ये चेक करो ये, और ये पूरा जंगल, ये पूरा जंगल है भाई। और ये भाई ये देखो, तो गाइस ये अभी यहाँ से अभी यहाँ तक है भाई, मतलब पूरा जंगल हमने कवर करना है। और गाइस मस्त रोड है भाई, बहुत मस्त रोड है। तो भाई अभी हमारे को पूरा जंगल कवर करना है वहाँ से वहाँ तक का। चलो गाइस चलते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाते रहेंगे। ऊपर देखो यहाँ पे घर बन रखा है लकड़ वाला है? और वो आयुष भाई आ रहे हैं वहाँ से। अच्छा अच्छा इसमें छोटी है ये लौंडे फुल। चलो चलो आगे चलो, पीछे क्यों आप लोग? हाँ ये सोच रहे ठीक किसमें इसमें चलो चलिए एकदम लगाता ब्रेक है। मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। सारे लौंडे यहाँ पहुंच चुके हैं, और भाई यहाँ पे ना बर्ड्स ऑफ शिमला वाटर कैचमेंट जितने कर यहाँ पे इस जो जंगल में आपको बर्ड मिलेंगे वो सारे सारे भाई ये है, ब्लैक लॉट ईटर है, ग्रेट रिपी है, मतलब बहुत ज़्यादा भाई ये। और ये साइकिल मेरी है, शूट करने वाला भी कोई भी नहीं है। अभी बहुत बड़ा जंगल है यार, अभी इसमें हल्के हल्के आराम आराम से शूट करेंगे। और सारे लौंडे भाई आ चुके हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। लिटरली बोलो ना ये जंगल इतना सुपर है ना भाई, मतलब इतना बहुत ज़्यादा हम लोग कैमरा में इतना कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मतलब जो चीज़ आगे कैप्चर कर सकती वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकते, इसलिए भाई कभी भी तुम लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। और चलो हम इसमें इंजॉय करते हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हमारे को खजाने का नक्शा मिल चुका, और ये ब्लैंक पेज यहाँ पे रखा था पता नहीं किसने, और हमारे कैसे मिल गया। पैसा पैसा ही पैसा होती है,
ये जंगल अपना ही होती है। गए सामने को सीओ का रेस्ट हाउस 3.5 किलोमीटर एंड यहाँ पे स्मृति है। और भाई ये वाले भी यहाँ पे सारे होंगे, मतलब जितने घर भी यहाँ पे दिखाए ना सारे होंगे। अभी तो भाई घना जंगल, अब तो वहां तक है। अरे साथ ऐसे सस्ते सस्ते व्लॉगर है ना, मतलब आयुष भैया आज अपना पहला व्लॉग बना रहे हैं, है ना, इनको आईफोन है, ये पता क्या कर रहे हैं, मतलब बैक कैमरे से व्लॉग बना रहे हैं लेकिन ऑन फ्रंट कैमरा है। इतना छोटे निकल गया यहाँ पे स्मृति भैया, मजा आ रहा है ना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठोको भाई ठोको, भाई ठोको ठोको, दबा दो दबा दो भाई, बहुत मजा आ रहा है। एंड मतलब तुम कभी शिमला, जो तो शिमला में है वो तो भाई जल्द विजिट करो, जो शिमला आना चाहते हैं विजिट करो। एंड टिकट विकेट्स मैं तुम्हारे को बता दूंगा कि कितने पैसे वैसे लेते हैं लास्ट में। और चलो भाई अब आगे चलते हैं। सस्ते ब्लॉगर आईफोन, अमीर लोग, अमीर लोग। भाई मैंने देखो अपनी साइकिल कैसे गिरा रखी है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच साइकिलें भाई। और बहुत मज़ा आ रहा है बहुत भाई लोगों के साथ। यहाँ पे ना तुम लोग को मतलब जो तुम्हारे को ना यहाँ पे मतलब जैसे नाले होते हैं तो नालों से तुम्हारे को छोटे छोटे पुल मिलेंगे और वो बढ़िया, मतलब उसमें कलर वलर कर रखा है, येलो कलर है, हरा कलर है, और बेंचेस हर जगह, मतलब हर एक मोड़ पे तुम्हारे को बैठने के लिए बेंचेस है एंड बाउंड्री लगा रखी है। और ये चीज़ है भाई, मतलब तुम देख सकते हो कि इस जंगल में कौन कौन से पक्षी है। तो मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ, चलो ओके ओके ओके। अरे वाह क्या एडवेंचर हो जा रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा एडवेंचर यहाँ पे। मतलब कर लो विजिट यार, कर लो भाई, ये एशिया का सेकंड सबसे डेंस फॉरेस्ट है, सेकंड वो भी शिमला में, तो इतनी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है तो करो भाई। एंड खराब जूते खराब हो चुके हैं, चलो कोई नहीं अब गाइस यहाँ से आगे चलते हैं। अभी भाई लोग आगे ही चल गए और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने बचा था। भाई साहब यहाँ देखो, मतलब ऐसे ऐसे आपको बहुत जगह मिलेगी, ये तो लकड़ का वैसे लोग ही मिलेंगे आपको, और मतलब ये फीलिंग बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता बस इतना सोचो, मतलब खुद ही आना पड़ेगा आप लोगों को। एंड भाई यहाँ पे साइकिल लगी है तो चलो अब मेरा ड्रिफ्ट को तो मगर लगा मार। कैसे लगी मेरी ड्रिफ्ट कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। राइट गाइस, अभी यहाँ पे भैया मार रहे ड्रिफ्ट एंड इनके ड्रिफ्ट कैप्चर करते, मेरी साइकिल में तो ड्रिफ्ट ही नहीं लगी, अभी भैया के ड्रिफ्ट भाई कैप्चर करते हैं। यहाँ पे स्टंट हो चुके हैं, ड्रिफ्ट हो चुकी है, पहाड़ों से नीचे आ गए हैं, अब चलते गाइस यहाँ से आगे। और मेरी साइकिल इतनी गंदी है ना भाई चलाने को, चलो इसी को चलाते हैं। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जहाँ पे हमने साइकिलिंग करी, उसके एंड पॉइंट पे भाई, ये वाला यहाँ का एंड पॉइंट है। और भाई ये देखो यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक अच्छा सा ग्राउंड है और यहाँ पे पूरे टैंक इसको भी दिखाएंगे आपके। एंड भाई लोग यहाँ पे पानी वानी पी रहे हैं, तो भाई ये है एंड पॉइंट। एंड यहाँ पे कुछ यहाँ से परेशाने देते हैं नहीं, शायद इसमें जानवर होंगे, और बस थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ये चीज़ घर पर थोड़ी बहुत यहाँ पे पानी पीने के लिए है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के लिए। और ये ऐसे दिस इज द लास्ट पॉइंट,
भाई अब ये लोग ला रहे हैं ऊपर से नीचे। ओ भाई नीचे नहीं ला पाएगा यहाँ से छोड़ छोड़ हमने मस्त यहाँ पे साइकिल चला ली भाई। यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ बहुत बड़ी है, इतना बड़ा टैंक, मतलब एक तो भाई मजा आ गया, अब टांगों में दर्द लग गई, इतना हमने सफर करा बाहर से साइकिल में और ऑफ रोड, मतलब टोटली ऑफ ही रोड है, और भाई ये इतना बड़ा, कितना मतलब कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ भाई, इतना इतना सुंदर, इतना बड़ा है ना भाई ये, बहुत ज़्यादा बड़ा भाई, बहुत ही ज़्यादा, ये देखो इतना बड़ा टैंक। चलो अभी थोड़ा बहुत फोटो वोटो शूट करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ ना किस चीज़ का पेड़ है यार, पता नहीं ये क्या है, आई डोंट नो। गाइज सुमित भाई ने हमारे को एक्सक्लूसिव खबर बताई है कि जो ये टैंक है ना, ये पूरा टैंक, ये 20 लाख लीटर का टैंक है, 20 लाख लीटर भाई, 20 लाख लीटर, जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल 20 लाख लीटर भाई साहब, पूरे शिमला को बड़े आराम से जाएगा इससे पानी भाई, है ना, नीचे जाए ना फिर इस कहाँ पे यहाँ चला सकते हैं, यहाँ क्या है भाई, यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाने को यहाँ भी चला सकते हैं बड़े आराम से भाई, कोई वो नहीं।